अरे शुए पड़ो शुए पड़ो, तुम्हारा अवस्था खराब करो प्रचंड घूम भाई। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर ट्रैवल ब्लॉग। आज वैसे मेरे साथ है सुजय दास। सुजय दास को तो आप लोगों ने पहले भी देखा होगा, जो हम लोग उड़ीसा गए थे, है ना। तो अभी हम लोग जा रहे हैं रेलवे स्टेशन, कोलकाता रेलवे स्टेशन में। लेकिन कोलकाता रेलवे स्टेशन जब टिकट कराया क्लाइंट ने, तो मुझे पहली बार पता लगा। वैसे मैं जा रहा हूँ बिहार छपरा, वेडिंग है, एक टीम वहाँ पहुँच चुकी है ऑलरेडी, उनका एंगेजमेंट वगैरह शूट है। और हम लोग जा रहे हैं स्पेशली शादी के लिए, क्योंकि हम लोगों के पास ऑलरेडी काम था तो जा नहीं पाए। 27 आज है 27 जनवरी। तो अभी कोलकाता रेलवे स्टेशन जा रहा हूँ। कोलकाता रेलवे स्टेशन बेलगाछे के आसपास पड़ता है। मैं भी पहली बार जा रहा हूँ, पता नहीं कैसा रेलवे स्टेशन है, क्या पता नहीं है। बाकी जैसे जाके फिर वहाँ मैं बात करता हूँ और दिखा भी देता हूँ कैसा स्टेशन है, क्या है क्या नहीं। सो एंजॉय करो ट्रैवल ब्लॉग। और चैनल पे न्यू हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। इंस्टा फेसबुक में फॉलो नहीं करते तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, फॉलो कर लेना तुम्हारे भाई को। सॉलिड गाइस, हम लोग अभी पहुंच चुके हैं कोलकाता रेलवे स्टेशन। ये कोलकाता लिखा हुआ बड़े बड़े में। वैसे अच्छा लग रहा है, कोई मेडिकल कॉलेज जैसा लग रहा है। मैं पहली बार आया हूँ और यहाँ पे बोर्ड में दे भी दिया, वहाँ पे वो बोर्ड दिख रहा है, थोड़ा जूम कर लेता हूँ। बोर्ड में दे दिया 2:30 बजे की ट्रेन है। वैसे 1:30 बजे पहुँच गए, क्योंकि पहले पहुँचना सही रहता है यार, कहीं कोविड का कुछ सीन ना हो जाए, अंदर कुछ चेकिंग वेकिंग हो। बाकी गाइस, कोविड का क्या सीन है और ट्रैवल में मतलब कुछ ज़रूरी है नहीं है, रिपोर्ट वगैरह जैसे जैसे होता रहेगा मैं अपडेट देता रहूँगा। बाकी बने रहो इस जर्नी में। तो गाइस, ट्रेन अपनी ऑलरेडी खड़ी है और S6 में जाना था। जाना है क्या, पहुंच गए S6। वैसे नंबर वगैरह नहीं है यार, ये थोड़ा सा मुझे अजीब लगा, ट्रेन नंबर देना चाहिए कम से कम। बाकी चढ़ते हैं और देखते हैं अंदर कैसे क्या है, स्लीपर में ही है। सो लेट गाइस, हम अपने बर्थ में मतलब सीट में पहुंच चुके हैं, सामान भी लगा दिया सारा। वैसे सामान यार, ये 3 बैग, यहाँ 2, यहाँ 1, काफ़ी सामान है, फोटोग्राफी का काफ़ी सामान होता है। और ये ऊपर मैं जाऊँगा क्योंकि ब्लॉगिंग के लिए मुझे चाहिए, ये सुजय दा का है। बाकी ट्रेन में अभी तो कोई आया नहीं, खाली खाली लग रहा है, भर जाएगी। वैसे 2:30 बजने में काफ़ी टाइम है और हम लोग बहुत पहले आ गए, क्योंकि भैया 4 दिन से नहीं सोए, इतना पैसे कमा रहे, 4 दिन से नहीं सोए, अभी सो के जाएंगे। कि गाइस, जैसे हमने स्टेशन में एंट्री किया तो ना ही सामान का चेकअप वगैरह हुआ, कुछ चेकिंग वगैरह हुआ, ना ही कोविड का रिपोर्ट वगैरह किसी ने देखा। और रास्ते में तो कोई देखने वाला है नहीं, क्योंकि 2:30 बजे ट्रेन छोड़ेगी यहाँ से, सुबह के 4 बजे छपरा उतर जाऊँगा मैं, तो मुझे नहीं लगता कि TT भी आने वाले होंगे शायद। बाकी खाने पीने की फैसिलिटीज़, क्वालिटी, क्वांटिटी सब, अगर कुछ खाता हूँ, कुछ ऑर्डर करता हूँ तो बता दूंगा। वैसे फर्स्ट टाइम बिहार जा रहा हूँ वही पूर्वाचल से, तो पता नहीं मुझे कैसे क्या रहेगा, जो भी एक्सपीरियंस होगा वो सारे शेयर करूँगा। सो इस जर्नी में बने रहो, इस जर्नी को एंजॉय करो और हम दोनों तो एंजॉय करते करते जाएंगे, क्योंकि 6-7 घंटे की रास्ता है। तो 15 घंटा, अच्छा 2:30 से 4 ना, हाँ सॉरी 15 घंटे का रास्ता है, तो वैसे रात सो जाएंगे। बाकी दिन भर में जर्नी में जो होता है वो दिखा देंगे। और बिहार जाके लिट्टी चोखा तो जरूर खाना है, हम बिहारी बाबू है भैया। तो गाइस, मैं क्विक टूर दे देता हूँ। ये फैन और लाइट के लिए पंखे, और ये चार्ज के लिए लगा हुआ है, जैसे ये सब लिखा रहता है जैसे नॉर्मली है। फॉर क्लीनिंग, क्लीनिंग के लिए कॉल कर सकता हूँ, ये अच्छा लगा मुझे वैसे। और यहाँ पे अपने कपड़े वपड़े लटकाने हो तो फैन वगैरह भी सही सलामत है, फिलहाल फ़ैन की ज़रूरत नहीं है, ठंड है। और अभी तो नीट एंड क्लीन लगा। बाकी सो लेट गाइस, यह है पूर्वांचल एक्सप्रेस का वॉशरूम। आईना काफ़ी गंदा है और नल में पानी भी सही है, बाथरूम भी फिलहाल पैन सही है, इंग्लिश बना हुआ है, पानी वानी सब सही है। वैसे बाथरूम फिलहाल नीट एंड क्लीन है, बाकी आगे का पता नहीं है कैसे क्या होना है। बाहर वाले नल में भी पानी ठीक ठाक ही आ रहा है फिलहाल, पहले तो ठीक ठाक आता ही, 2-4 घंटा ट्रेन चलने के बाद ठीक ही नहीं रहता, मतलब चाहे आप मुंबई जाओ, दिल्ली जाओ, सब में यही सीन होता है। अगर नॉर्मल ट्रेन में जाते हो, राजधानी वगैरह में जाओगे तो सही है। यहाँ का आईना भी ज़्यादा साफ़ नहीं है, लेकिन हाँ चल जाएगा। बाकी तो अभी ट्रेन छूटने को अभी टाइम है काफ़ी, 1/2 घंटे से ज़्यादा। सो लेट गाइस, पूरा 2:30 बजे ट्रेन छूटा है। वैसे मेरा घड़ी 6 मिनट लेट है, मुझे पता है 6-7 मिनट,
2:30 बजे ट्रेन छूटा कोलकाता चितपुर है ये, कोलकाता चितपुर हावड़ा नहीं है, तो इसमें कन्फ्यूज में था ना, कोलकाता चितपुर है ये, तो वहाँ से 2:30 बजे पूरा टाइम से ट्रेन छोड़ दिया। और उम्मीद करता हूँ कि छपरा सुबह मतलब 28 के सुबह 4 बजे तक उतार देगी। वैसे ब्लॉग में कब तक डालूँगा मुझे पता नहीं है, क्योंकि वहाँ जाके वेडिंग का काम है, फिर वापस भी आना है कोलकाता, तो ब्लॉग शायद लेट ही आएगा। आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ट्रैवल ब्लॉग और अच्छे अच्छे ब्लॉग देखने के लिए। हमारा कंपार्टमेंट पूरा खाली है, सुजैदा बिजी और मैं यहाँ नीचे बैठा हूँ और पूरा खाली है, वैसे कोई भी नहीं है यहाँ पे। और अभी 4 दिन के लिए बाय कोलकाता, 30 को कोलकाता आएंगे। तो बाकी जो ट्रेन में होता है सारे चीज़, वैसे एक चीज़ मुझे अच्छा लगा, पुलिस के डॉग स्क्वाड आके पूरा चेक करके गए, ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छा लगा। उम्मीद करता हूँ कि जर्नी हैप्पी एंड सेफ रहेगी, बाकी खाने पीने का जो भी होता है सब चीज़ ब्लॉग में रहेगा ही रहेगा। सो बाय कोलकाता, सी यू सून। ट्रेन से मैंने सफ़र किया, लेकिन इस ट्रेन में मुझे ये वाला जगह काफ़ी अच्छा लगा। यहाँ पे एक बैठ सकता है अगर कोई इमरजेंसी, बिना टिकट के या टिकट लिया फिर सीट नहीं मिला होगा, स्लीपर में भी वेटिंग लिस्ट में रहा होगा या लाइक आरएसी में रहा होगा, तो यहाँ पे अपना बेड वगैरह बेडशीट वगैरह लगा के अपना सो सकता है। ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे। और बाकी तो अपना बॉगी पूरा खाली खाली सही है, पूरा खाली खाली सही है। पता नहीं बीच में अगर कोई अच्छा स्टेशन आएगा तो चढ़ेंगे, बाकी हम लोग तो सुबह तक ही उतर जाएंगे। सॉलिड गाइस, ये पहला स्नैक्स, मतलब 3 बजे हमारा स्नैक्स हो रहा है। वैसे ये झालमुड़ी अच्छा बनाया है, बहुत टेस्टी लग रहा है। और वैसे मैं चावल और बॉयल्ड एग, आलू भुजिया सब लेके आऊँ घर से, वो सोच रहे थोड़ा इवनिंग में खाएंगे, अगर डिनर में कुछ अच्छा नहीं मिला तो या तो वही डिनर करके सो जाएंगे। काफ़ी चावल है, दोनों का हो जाएगा। बाकी मैं ये ख़त्म करता हूँ, उसके बाद बाकी जो होता है आगे आगे वो सब दिखाऊंगा। लाइट गैस, ये पहला स्टॉप नैहटी है, वैसे टाइम में है 15:15, मतलब 3:15 पे। बाकी उम्मीद करता हूँ कि टाइम से ही सब कुछ होगा। और सो गाइस, 4 बजे हमारा स्नैक्स क्या है, इसको चाय टी ब्रेक हो रहा है वैसे। और ट्रेन में ये वाला टी ना, ये खींच के, ये वाला रस्सी खींच के चाय पीने का मज़ा ही अलग है। देख ले दादा, चाय की चुप्पे ले। अरे सुए पड़ो, तुम्हारा अवस्था खराब करो, चुनो घूम पाई। बढ़िया यार, 10 रुपये की चाय सही है, सही नहीं बहुत सही है। और अभी गरम गरम खाना पीना करना चाहिए, क्योंकि कोविड का सिचुएशन है, तो मैं चाय वैसे पीता नहीं हूँ, लेकिन अभी ज़बरदस्ती पी रहा हूँ और पीना भी चाहिए सबको। बादाम देख के किसी को कुछ याद आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में भर देना, कांचा बादाम। तो गाइस, इनका इंस्टेंट तकिया रेडी हो रहा है वैसे। अरे हवा जा भी रहा है अंदर, हैं सही है यार। यार ये मुझे दे दो, अभी मैं खरीद रहा हूँ, कितना लोगे बताओ। नहीं, नॉट फॉर सेल। व्हाई? अरे यार सही है गाइस, ये तो इंस्टेंट तकिया बन गया यार, मुझे भी एक ला दो। कहाँ से मिलता है, हमारे वहाँ पे मिलता है गाइस? बंडल में सब भर गया पूरा, यहाँ पे चाचा हमें, 2 चाचा को मैंने, नीचे वाला मेरा और मिडिल वाला दे दिया, मिडिल वाला अपना ही था, और हम दोनों ऊपर ही सही रहता है, ब्लॉगिंग करने में भी सही रहेगा। और भैया सोएंगे, 4 दिन से नहीं सोए, और मेरे को अपर वाला सीट सही लगता है, कम्फर्टेबल लगता है बिल्कुल। बाकी पूरा भर गया यार, कमरा पूरा भर गया, ये भी पूरा ट्रेन ही भर गया, ख़त्म, टाटा बाय बाय। सो गाइस, ऊपर बिल्कुल कंफर्ट होके बैठा हूँ मैं, और अभी सो भी जाऊँगा, क्योंकि सामान का थोड़ा ध्यान रखना है रात को, तो दिन में ही सो जाएंगे। बाकी लंच वगैरह तो अब करके आया था, और भैया भी नहीं कर रहे, और सीधा डिनर करेंगे, तो डिनर में क्या खा रहे क्या नहीं वो सब दिखाऊँगा, और टिकट प्राइस वगैरह भी बताता हूँ थोड़ी देर में, टिकट का कितना क्या पड़ा। वैसे जर्नी तो फिलहाल तक कम्फर्ट है, 2 घंटे ट्रेन छूट चुकी है और 2 घंटे कम्फर्ट है, बाकी आगे आगे देखो क्या होता है। सॉलिड गाइस, मैं खाना वाना खा के वही मुड़ा वगैरह खा के, मतलब झालमुड़ी खा के सो गया बिल्कुल। और अभी जस्ट उठा हूँ, सुजैदा अभी भी सो रहे, 5:30 हो रहा है, मतलब नींद ही नहीं खुली, और इतनी गहरी नींद में सोए ना, वैसे ऊपर वाला सीट में मज़ा आता है बहुत। और अभी दुर्गापुर में है,
बिहार अभी तक एंट्री नहीं हुआ, दुर्गापुर वेस्ट बंगल में है। और अभी तो कुछ दिखाने का है नहीं, रात का है, रात को डिनर क्या करेंगे, जो लेके आया था मैं चावल वही खा लेंगे। बाकी अभी तक तो जर्नी सही है, बाकी आगे आगे देखो क्या होता है क्या नहीं। ओए हाय हाय, नज़ारा काफ़ी प्यारा लग रहा है यार। ये ट्रेन खड़ी है ऐसे और यहाँ पे शाम बिल्कुल गोल्डन आवर, सॉरी ब्लू आवर हो रखा है ये। और यहाँ पे ये जो है ना लीडिंग लाइन फोटोग्राफी बोलते हैं, अगर यहाँ पे कोई नहीं रहता एक फ़ोटो मस्त। सो लेट गाइस, ये मैं अपने स्टेशन से लेके आया था और इवनिंग स्नैक्स के लिए परफेक्ट, अभी 6 बजने जा रहा है तो ये फटाफट खा लेता हूँ मैं, क्योंकि सुजैदा ना खा ले, वो अभी तक सो रहे हैं अंधेरे में वैसे। तो ये मैं खा लेता हूँ और एक चाय भी ले लेता हूँ मैं। तो गाइस नींबू चाय भी बोल दिया, मतलब नींबू वगैरह डाल के देते हैं 10 के, बहुत सही चाय के साथ। और ये मेरा बर्बन बिस्किट, तो ये मैं फटाफट एंजॉय करता हूँ। सॉलिड गाइस, वैसे सुजैदा का देख के मुझे बहुत जेलस फील हो रहा था, क्योंकि मैं ये तो लेके आया हूँ ओढ़ने के लिए और सर पे मतलब देखे तकिया टाइप का कुछ था नहीं, तो सुजैदा से मतलब लेने की मैं बोला था, कह रहे नहीं नहीं मैं सोऊंगा, तो ये बेचना है और मैंने मौका जाने नहीं दिया। वो बोल रहे थे 120-130 का मिलता और मुझे 100 रुपीज़ में मिल गया। और कम्फर्ट भी लग रहा है यार काफ़ी यहाँ पे, सही है यार। अभी बहुत सारे ट्रैवल ब्लॉग आने वाले हैं, बहुत जगह ट्रैवल करने वाला हूँ, सबका टिकट हो रखा, वो धीरे धीरे बताता रहूँगा। बाकी यार एक मन खुश है बहुत ज़्यादा, क्योंकि सोऊंगा बिल्कुल मस्त, अभी ऐसे रहेगा, मज़ा आ गया, बिल्कुल मज़ा आ गया। वैसे तो यार पूर्वांचल एक्सप्रेस में मुझे सबसे ही लगा, लेकिन दिल्ली वगैरह अगर ट्रैवल करते हैं ना तो पूर्व एक्सप्रेस वगैरह में ऐसे यहाँ पे एक डस्टबिन रखने के लिए जगह रहता है, क्योंकि मैंने ये चाय वगैरह पिया, जो ऊपर बैठेंगे वो फिर नीचे उतरना पड़ेगा। ये बिस्किट है ना मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि ऊपर थोड़ा सा चीनी भी रहता है, अंदर क्रीमी क्रीमी सा, मतलब हल्का मीठा मीठा सा, बहुत सही रहता है। वैसे ट्रेन में खास कुछ तो खाना पीना है नहीं, पकौड़े वगैरह कुछ भी नहीं आया, बस रात का खाना पूछने के लिए आया था, लेकिन हमारे पास है जितना खाना हो जाएगा रात का। और नॉर्मली चिप्स कुरकुरे वगैरह चाय तो नॉर्मल ट्रेन में जैसे होता है, वैसे स्पेशल कुछ नहीं है। मुझे लगा था लिट्टी चोखा टाइप का आएगा, क्योंकि बिहार की ट्रेन है ना, मतलब एक्सपेक्टेशन हाई थे मेरे, लेकिन कोई नहीं, आप छपरा उतर के ही खाएंगे लिट्टी चोखा। वैसे शादी में मुझे लग रहा है लिट्टी चोखा का कुछ आइटम तो होगा होगा, मेरा मन कह रहा है, और मेरा मन कह रहा है तो मुझे लग रहा है पक्का होगा। बाकी आगे आगे देखो होता है क्या। सो लेट गाइस, हमारा डिनर टाइम हो रहा है और मेरा ये चावल अंडे आलू का भुजिया जो लेके आया था मैं, खुद बना के लेके आया हूँ यार, तो खुद के लिए जितना भी बनाया जो भी बनाया अच्छा है। और वैसे सुजैदा के लिए मैंने ट्रेन से वो ऑर्डर कर दिया, वैसे उनको पराठा खाना था तो पराठा और सब्जी, 70 रुपए का पराठा है और दो, मुझे लग रहा है ज्यादा पैसे ले लिए। और पराठा पेट भर जाएगा आपका? हाँ, हो जाएगा है, हो जाएगा। पता नहीं, टेस्ट कर लूंगा मैं भी थोड़ा सा, फिर बताता हूँ टेस्ट करके खाना कैसा है। चावल पूरा ना बर्फ जैसा बन गया, मतलब सुबह से बना के लेके आऊ ना तो बर्फ जैसा लग रहा है। वैसे ट्रेन का खाना मुझे ज्यादा पसंद नहीं होता, एक तो टेस्टलेस होता है और पैसे वैसे दोनों, तो मैं हमेशा कैरी करता हूँ चावल, इतना सा ही मैं है ना, इतना सा काफ़ी है, तो मैं हमेशा कैरी करता हूँ। वैसे भैया को पराठा वगैरह खाना था, उनको चावल सूट नहीं करता, इसीलिए उनके लिए मैंने ऑर्डर कर दिया था। आलू भाजा मैंने बनाया, वैसे अच्छा, थोड़ा सा ठंडा है बाकी सही है यार। सो गाइस, चावल तो मैंने खा लिया एक बाउल, अभी पराठा टेस्ट कर रहा हूँ ट्रेन का, 70 रुपए का पराठा पूरा ठंडा है, सब्जी अच्छी है लेकिन पराठा पूरा ठंडा है, और ये काफी टाइट सा है, मतलब पेट भरने लायक है, बाकी टेस्ट नहीं मिलेगा कुछ, टेस्टलेस। बाकी खत्म करके मैं हाथ वगैरह धो के फिर आप लोगों से बात करता हूँ। सो लेट गेस, डिनर तो मस्त हो गया और सुजैदा का अभी तक खत्म ही नहीं हुआ, दो पराठा क्या किलो किलो का है, खा नहीं पा रहे हो वो खत्म नहीं कर पा रहे, और मेरा हो गया। और अभी रात को तो कुछ दिखाने का है नहीं, सो फिलहाल मैं सो रहा हूँ, गुड नाइट। और जिंदगी रही तो सुबह फिर छपरा में मुलाकात होगी, छपरा उतर के फिर वीडियो कंटिन्यू करता हूँ गाइस, तब तक के लिए गुड नाइट। सो गुड मॉर्निंग गाइस, हम लोग उतर चुके हैं छपरा फाइनली, और ये देख रहे हो बंदा अभी तक ठंड में है, मतलब मुझे ठंड नहीं है, टोपी वोपी मैंने नहीं लगाई, इसने लगा रखा वैसे। और बाकी लेने के लिए कोई आया है स्टेशन के बाहर,
तो स्टेशन के बाहर जाता हूँ फटाफट, उसके बाद वहाँ पहुँच के मैं बाकी सारे डिटेल्स में जो भी है वो बात करता हूँ गाइस। सो ये है बिहार छपरा, फर्स्ट टाइम आया वैसे बिहार में, खुशी खुशी महसूस हो रही है। बाकी देखो रूम में ऑलरेडी तो पहुँच चुके हैं गौरव, दो गौरव और प्रकाश पहुँच चुके हैं। बाकी हम सो गाइस ये छपरा का बाहर का नज़ारा है, वैसे सजाया बहुत अच्छा कलरफुल और ऐसा लग रहा है कि हम लोग बिहार में एंट्री कर चुके हैं। वैसे सब बोल रहे इधर जाने उधर जाने और क्लाइंट पता नहीं कहाँ गया यार, लेने गाड़ी भेजा अभी तक गाड़ी नहीं आई, ठंड बहुत ज़्यादा है यार यहाँ पे। सुजयदा तो कांप रहे बहुत, मैं थोड़ा सा बर्थ बाई बर्थ मतलब जुलाई में है ना, तो बर्थ जुलाई में तो मैं थोड़ा कांप नहीं रहा हूँ। बाकी ये नज़ारा काफ़ी अच्छा है, बाकी मैं रूम में पहुँच के ही बात करता हूँ गाइस। सॉलिड गाइस जस्ट क्लाइंट के घर पहुँचे हम और सब चार्ज में लग रहा है, चार्ज बिल्कुल भी नहीं है, रात को काम है। सो उम्मीद करता हूँ ये ट्रेवल ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल पे न्यू हो तो चैनल सब्सक्राइब करके इस छोटे से फैमिली का हिस्सा बन जाना। सो मिलते हैं न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।